पहाड़ कहते हैं, नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा अली। अली का नाम सुन के मैं आया हूँ दूर से, झोली को मेरी भर दो मोहम्मद के नूर से। इमरान तोड़ देता है। दस दस इमरान दस, आज सामरी तनु जगदी हर शैदान कर सकता है। अब लबू सामरी बाबा, मेरी तपस्या दे कशकोली, इस धरती दे कुकिच लुके हुए सारे खजाने, ते जवानी दी पहली बहार पा दे, ते मेरी हयाती नू हमेश अमर कर दे। अंत दौलत तेनू मिल जाएगी सिमरान, और तेरी हयाती उस वेले अमर होगी जदों तू इच्छाधारी नागन दे लव नाल अष्टान करेगा अष्टान। हम लबू सब तेरी बड़ी मेहरबानी। जदों आएगी मेरी जवानी सामरी बाबा ए शमरान लई कोई मुश्किल गल नहीं। मैं उस इच्छाधारी नाग ते नागन नू जमीन दिया रगाई चो कट के ले आवांगा। तू नहीं जानता सिमरान, वो इच्छाधारी नागन संग देवता दी 100 साल इबादत तो बाद अमरीन नागन दा खिताब हासिल कर चुकी है। ओदे ते तेरा कोई जादू कोई बबलबू असर नहीं करेगा। अमरीन नागन संग देवता कोलो वरदान लैके बहुत बड़ी जादूगरनी बन गई है, बहुत बड़ी जादूगरनी। पर मेरे लम्हे मुताबिक आज तो ठीक 3 दिन बाद पूर्णमासी दी रात को ओ नाग ते नागन इंसान दा रूप धारण के इंसान दा रूप। ठीक है साबरी बाबा, मैं 14वीं दी उस रात दा इंतजार करांगा। उस रात मेरे नाल 14वीं दा चंद भी नागन दे लहू नाल गुसल करेगा। हबलबू बबलबू 14वीं दा चंद। साडे इंसान बनने की खुशबू इस धरती के इंसाना के नक तक पहुंच गई है। इंसान बड़ा लालची अंबरीन, ते असी ओदे लालच का मुकाबला अपने प्यार की ताकत नाल करांगे। इच्छादारी नागन ने अपने जादू के जोर नाल मौत के दायरे इन्हां नूं कील के मेरे मोढ़ियां ते अपने घर की बलि चढ़ा दिती है। और मैं उहदे टोटे टोटे करके कुलू अपने इंतकाम की बलि जरूर चढ़ावांगा। जगीरदार शेर अफगन ने हर साल वांगो अपने दोस्त शमरान की खिदमत च नजराना कर लिया। इन्हू कबूल करके अपनी ते शेर अफगन की दोस्ती का रंग गूढ़ा कर दो। नजराना कबूल है। जाओ जाओ ते शराब गंदवास देना कैसी उदे वाल आने वाली हर मुसीबत नू अपने ताकत दे ढाल ना रोक के उदे मन नू शांति कर देंगे। साबरा हवेली जान का मतलब दस। जी जागीरदार जी, मेरे पुत्र ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है ते मैं इनू शहरों इसलिए बुलाया है कि ये भी अपने मरहूम प्यो वांगू इस जागीर की खिदमत कर सके। नहीं नहीं, इस जागीर नू हुण किसी गुलाम सादे की जरूरत नहीं। अपने पुत्र नू आख के शहर जाके नौकरी तलाश करे। हुण तू जा सकनी है। नहीं शेर अफगन, साबरा दे शोहर ने साडे सुहाग तो कुर्बान होके इस जागीर दे मत्थे ते अपने खून नाल वफादारी दी दास्तान लिखी सी। इसलिए असी अपने नमखार दे पुत्र नू मायूस नहीं करांगे। अज तो असी नादर नू अपने मालखाने दा इंचार्ज मुकर्रर करने आ। मेहरबानी चौधरानी जी, मेहरबानी। ठीक है साबरा, तू हुण जा सकनी है। शेर अफगन, इन्हां दा कसूर की है? जागीर दे बढ़ाए उलत तो बगावत, सलाना लगान देन तो इनकार, फसल दी कटाई दा अध हिस्सा ना देन दी जिद, ना जाया नानू, संतान च बंद करते हो। 2-4 महीने अपनी सिर्फ की सजा कटन गए, ते आप ठीक हो जान गए। नहीं शेर अफगान, इन्हानू छड़ दियो। असी इन्हानू लगान माफ करने आ। साडे फैसले नू चैलेंज करन तो पहला अपने शोहर ते साडे वड्डे भरा दी वसीयत एक बारी फेर पढ़ ले बख्तावर। तेरे पुत्तर दे पढ़ लिख के वापस आने तो पहला असी इस जागीर दे हर बंदे दा मुकद्दर अपने इरादे दी कलम न लिख सकने आ। ले जाओ इन्हानू। आओ बेटे। रब करे मेरा पुत्र अपनी तालीम मुकम्मल करके लंदन तो छेती वापस आ जाए, नहीं तो इस जागीर के लोग इसे तरह जुल्म की चक्की च पिसते रहेंगे। बालका, थानू क्यों याद किया है? संख देवता, असी इंसानी रूप तार के इंसाना दी बनाई हुई दुनिया वेखन दी ख्वाहिश कर बैठे हैं ते खुदा दी बख्शी हुई ताकत नाल असी नेक इंसाना दी भलाई ते बुरे लोगों लई उन्हां दा भयानक अंजाम बनना चाहते हैं। इंसान बन के प्यार दी दुनिया आबाद करना डाढ़ा औखा काम है अमरीन। जानवर ते दरिंदे एक दूजे नाल प्यार करदा वेख के मुंह फेर लैंदे ने, पर इंसान इंसान दे प्यार दा वैरी है। असी प्यार दे हर दुश्मन दे मौत बन जावांगे। शाहरुख, साडी सोच दियां रावां उत्ते खतरियां दे पैरे ने। असी धरती दे कलेजे चों बुराई दियां सूलां जरूर कढांगे संख देवता। असी वादा करने भावें साड़ी जान चली जाए असी शैतानी ताकतों का मुकाबला जरूर करांगे ते उन्होंने हमेशा लिए बर्बाद कर देंगे। बड़ा सख्त बुखार है। नहीं, मैं जाननी हूं गरीब ते बांदर रज जावे ते पुठियां छाला जरूर मारदा है। बीमारी दा बहाना ओदे कमजोर होने दी निशानी है। असी ओनू सजा जरूर देंगे। छड़ बोल किथे? दसना जी दसना। आओ आओ मेरे नाल जी। ए देखो बीबी जी बेचारे नू बड़ा सख्त बुखार है। हुणे लानी है दा बुखार। मैनू माफ कर दियो छोटी माफ। मैं कभी गलती नहीं करांगा, कभी गलती नहीं करांगा। माफ कर दियो मालकन, मैनू माफ कर दियो। गरीबा ते कमजोरा ते हाथ चुकना तेरे जालिम होने का सबूत है। साडा हाथ रोक के तू गुस्ताखी कीती है कमिया। जुल्म तो बच जाए उन्होंने रोकना जरूरी हो जाता है। कोई गुलाम अपनी गुलामी का दायरा तोड़ के अपनी औकात भूल जाए ते उन्होंने सबक देना जरूरी हो जाता है। उच्ची कुर्सी ते बैठ के गलत फैसले करने छड़ दे, नहीं ते तेरे खानदानी गुरूर नू मिट्टी च रुलन लगे एक पल नहीं लगेगा। तू साड़ी तोहीन कीती है कमिया। असी तेरे हत्था नाल तेरी जबान भी बढ़ देंगे। जान तो पहले एक गल याद रखी, हक की आवाज जुल्म दी कंधा नाल टकरा जाए ते तुहाडे वर्गे ज़ालमां लई मौत दा पैगाम बन जाती है। गरीब नाल ज्यादती करनी छड़ दे, नहीं तो याद रख गरीब ते कमजोर एक परचम तले कट्ठे हो जान ते जगीरां दा निजाम बदल जाता है। हाँ खुश कीता ही नादरिया। मैं क्या जे सारे डबर नूं हो जाए कि टाट मिलदा रहा ना तू ते मेरे ख्याल ही जब बंदे दे पुत्तर बन जाएंगे। पूरा पिंड अपने जादू नाल कील दिता। घोड़ो इच्छादारी नाग ते नागन मेरा खिंचिया हुआ दायरा तोड़ के इस इलाके चो बाहर नहीं जा सकते। जाओ जाओ ते उन्हें जगह जगह तलाश करो। ओ मैनू जिंदा चाहिए ने, जिंदा ते अमरीन नागन कोलो बिल्कुल खौफ ना खाना। वो इसलिए कि जब तक थोड़े गले तामरी बाबा दी माला मौजूद है उदा जादू थोड़े ते असर नहीं कर सकता। हाबला बू हाबला बू। अब्बा शमरान जादूगर की जसूसी करके मैनू लगता है किस्मत की देवी मेरे ते मेहरबान हो गई है। जे शैतानी नाग ते नागण मेरे हथ आ गए ते हो सकता है मैं फकीर तो बादशाह हो जावा। जे मैं बादशाह हो गया अब्बा ते सब तो पहला तेरा सिर उड़ा दिया। ओए लांतिया किथे आधारी नाग दी शुक्र बंदे उसाड़ के भस्म कर देंदी जा। मैं ते खैर खानदानी ते असली जोगी आ, तेरा पता नहीं चंगड़ा तू कौन है। ओ ए गगड़िया मुठे रख रखता नु निकल हुंदे आ, बहुती चबड़ चबड़ ना कर। मैं उस नागर दी मगर चलिया मां, ओदा मगरा करन लगा मां। तू किसी औरत दे मगर ना हो जवी, मेरे हक अंदर दुआ करी लांतिया। मेरी ते दुआ है बच्चा, रब करे तेनु छिया तारी नाग लड़ जावे। तो लेके शाम पै गई है, इनू बजा बजा के मेरा अपना बाजा बज गया। पता नहीं वो इच्छाधारी नाग और नागन किथे बैठ के मेरी मजबूरी का तमाशा वेखन डाए ने। ये कौन ने? सलामो लैकी आखी है, जंगल बिच बैठ के लोलो पोपियां करने वाले हो। माफ करना, मैं थोड़ा कोई काम खराब तो नहीं किया। तुसी कौन हो? तुसी किधरे कुछ? असी अल्लाह दे जी हां। अल्लाह दे जी हो ते फिर थानू एक ऐसी चीज देंगे के वाह वाह जी, ऐसी चीज के तुसी सारी सारी रात जाग के करोगे। ਆਪਾਂ जी बाबा मूंह चित लगते ने, ये तुसी चंगा कीता जे शहर छड़ के इथे जंगल विच डेरे ला ले ने। जे तुसी शहर विच हुंदे ते लोकां तुहानू कतल कर देना सी ते आपां जी नू किसे कोठी विच ले जाना सी। ए की बकवास कर रहा है? कौन है तू? मैं भी अल्लाह दा जी हां, पर माड़ा जिहा अमीर होण दी शदीद खाश है। मां प्यो जिउं जोगे इन्हां मनकिया तो सवा कुछ नहीं छड़ के मोए। मिल लाउण लई सरमाया कोई नहीं, नौकरी लाइन वास्ते रिश्वत लई पैसा कोई नहीं, बैंकों कोलों कर्जा लेके माफ करवा लवां। माफ करना, एडी मेरी हसीयत कोई नहीं। अच्छा ते फिर है दस, तू अमीर किस तरह बन सकना है? दो ही तरीके ने, बोसकी दा सूट पा के तौलिया मोढे ते रख लवां या फिर उस इच्छाधारी नाग ते नाग नू पकड़ लवां जेड़े 100 साल बाद इंसानी रूप धार के किधरे दाएं बाएं हो गए ने। तुसां वेखे ने? मैं भी नहीं देखी। जे वो मैनू किधरे मिल जान ते मैं इन्हां को अमीर हो सकना वा के किसी भी हलके तो इलेक्शन च खलो सकना वा। जे इन्हू साटा पता लग गया ते ए सानू फड़ लवेगा। इन्हू टसला ऐसी नीयत खराब लगती है। ओए बोल दे, मर दे नहीं। जादू नहीं चलेगा नागन। वो इसलिए कि तेरे जादू दे तोड़ ली सावरी बाबा दी सख्त धमाला साढ़े गाल विच। इहदी वजह दे नाल तुहाडे दोवां दा जहर साढ़े ते असर नहीं कर सकदा। वशनाश हो के तुसी अपने आप नूं साडे हवाले कर दिओ, नहीं तो तुहानूं दोवां नूं मार के ले जाण दा भी हुक्म हैगा। सोचा सी कि तुसी साडा पिछा छड़ के नस जाओगे, पर हुण तुहाडा जिंदा रहना साडे लई खतरा है। शाहरुख कामरी बाबा दी किस माला ने इन्हां मूसियां दी जिंदगी बचाई हुई है। ओ माला ए तलवार नल मोती मोती करके जमीन ते बिखेर दे। अमरीन, असी इंसानी रूप धारण तो बाद यह फैसला किया सी कि साडे कोलों किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ए इंसान नहीं, लालची ते मकरूर शैतान ने इन्हां दी जिंदगी तोड़ी मां ते शाहरुख। हो गई है नादर पुत्र, अगर इजाजत होवे तो मैं घर चला जावा। ठीक है मुंशी जी, तुसी जाओ, मैं आले हिसाब किताब कर ले। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 तो साढ़े ते एक चपेट का कर चढ़िया सी ते अज असीं तैनूं इन्ना क मारांगे कि तैनूं वेख के इस इलाके का हर एक बंदा तौबा तौब कर उठेगा। इन्ना नाजुक हत्थां नूं तकलीफ देण दी की जरूरत है? तुसीं इशारा ते करो मेरी जान, मैं आप मर जांगा। हाँ, तैनूं मानना साडे लई कोई मुश्किल नहीं, पर असी तेरे जग गुस्ताख नूं कतरा कतरा मरदिया वेखना चाहने। अज तेरे पिंडे दिया गुजिया पीड़ा तेनू साडी ताकत ते साडे मर्तबदान काजा जरूर करान गया। अपने ते तेरे मर्तबे तो मैं वाकिफ हाँ। इश्क फकीर ते हुस्न बादशाह होंदा है, पर मैनू ते इंज लगता है कि तेरी नफरत दी कंध पिछे मेरी मोहब्बत दा समंदर ठाठा मार रहा है। गुस्से ने तेरे हुस्न नू चार चंद ला दिते ने। तू अपने नैना दी कटार नाल मेरा सिर भी ला देवें, ये मैनू इनकार नहीं। तू साडे पैरां तू उत्ते वेख के अपने कद नाल बड़ा जुर्म कीता है, तैनू इहदी सजा जरूर मिलेगी। साड़ी सजा का जोर तेरिया हड्डिया चो माफी माफी का ऐलान जरूर कराएगा। ऐसे जिस्म नालों ऐसी हड्डियां बक कर दो। दी अदालत अपना मुकदमा दर्ज कराना आया वा ताकि मेरे नाल इंसाफ हो सके। ऐस तो पहला कि मैं तेरे लिए कोई और सजा सोचा, ऐसा चला जा। मैं कुछ नहीं जानता मुंशे, साडे पिंड च रहण वाले हर बंदे नू साडे उसूलां दे मुताबिक जिंदगी गुजारनी पैगी। वाह 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 जगीरदार साहब, तुसी उसूलां दी गल करदे हो? इत्थे ते हवा भी तुहाडे हुक्म दे बगैर नहीं निकल सकदी। ठीक है ठीक है। नादर, तेरी हालत किने बनाई है? सानू जख्मी करने लेदा ना दस, असी ओदा जीना हराम कर देंगे। नहीं जागीरदार साहब, मैनू मारन वाला कोई गैर नहीं, मेरा अपना दोस्त है। नादर, जेड़ा दोस्त फट लाए ओ दोस्त नहीं दुश्मन होंदा है, ते जेड़े फट दोस्त लाउन ओना दा मजा ही कुछ होर होंदा है। दस तेरा दोस्त कौन है? जागीरदार साहब, समझ लो ओ इस वेले मेरी नजरां दे सामने। नादर, सानू तेरी गल दी समझ नहीं आई, कहना की चाहना है? मेरे कहने दा मतलब ये जागीरदार साहब कि मेरा वो दोस्त नुमा दुश्मन अज रात मेरे को उस ही थां ते आके माफी मंगेगा जिस थां ते उन्हें मैनू जख्म लाए सन, ते मैं ओदा इंतजार करांगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तेरे उस दोस्त नू ऐस ज्यादती दी तेरे को माफी मंगनी चाहिए है। मेरे कहने का मतलब ये जागीरदार साहब कि मेरा वो दोस्त नुमा दुश्मन अज रात मेरे को लोगों से ही थां ते आके माफी मंगेगा जिस थान ते उन्हें मैनू जख्म लाए सन ते मैं ओदा इंतजार करांगा। मैनू यकीन सी कि तू इत्थे जरूर आएगी, इसलिए ते मेरे प्यार दी सच्चाई ने तेनू इत्थे आने ते मजबूर कर दिता है। क्यों सच क्या है ना? मैं मुंदरी पुआ दे मेरी मुंदरी तू पाले मुंदरी। मुंदरी बुआ दे मेरी मुंदरी तू पाले मुंदरी वे तेरी मुंदरी आए मुंदरी वे मेरी मुंदरी। इंसान की बदनसीबी अंबरी अल्लाह दी आला मखलूक होके भी अपनी नीच हरकतों तो बाज नहीं आती। कोई कल शाहरुख तू देख मैनू एहो जी सजा सवा की कि इस घटिया इंसान की लाश वेख के इज्जत डाकुआ की विडू कम चाहिए। लाश वेख के प्यू दिया चीका पूरा पिंड सुनेगा। शमरान 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 मेरे पुत्र नु बचा ले, मेरा पुत्र जिंदगी ते मौत की जंग लड़ रहा है, बचा ले। बबलाबू तू फिक्र न कर, मैं जो रख दे शेरवगन, मैनू इन्हें दसिया है कि तेरे पुत्र नू इच्छादारी नागन ने दसिया है एदा बचना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं शमरान नहीं, असी कुछ नहीं जानते, तेनू साडी दोस्ती का वास्ता है, साडे पुत्र नू बचा लै, असी तेनू अद्धी जागीर दे देंगे। कुछ नहीं चाहिदा शमरान नू, कुछ नहीं चाहिदा। मैं अपने तपस्या के जोर नाल तेरे पुत्र नू बचा लांगा तेरे पुत्र नू। बबलाबू बबलाबू शपथ सानू दूधे पैसे ला ते बाकी शमरान दा शुक्रिया अदा करे। आओ लालची कुत्ते, मैं तेनू हबलबू बबलबू कर देंगा। ओए फड़ो, ओए फड़ो फड़ो, ओए मेरा बेटा मुसरे शहीन बनता जा रहा, फड़ लो। खुदा दा वास्ता यो शबरान जादूगरा ओए मैनू सपेरा ही रहने दे ओए मैनू डांसर ना बना ते ये बनाना ही ते मेरे ऐस बेव नू इस तरह दा बना दे। और लालची कुत्ते मैं तेनू हबलबू बबलबू कर दियांगा। मैनू कुछ ना कहना मैं बुढ़ावा। चुप कर जा ना रेड़िया बस चुप कर जा चुप कर जा। देखो जी भाई चुड़ैल की गल इस तरह। और चुप हो जाओ बकवास बंद करो। शमरान तेरा एहसान सानू सारी जिंदगी याद रहेगा। आज तो बाद साडी जागीर दा हर मुलाजम तेरा खादम है। जे तू चाहे ते साडे बंदे तेरे चेलियां नाल मिलके उस नाग नागन नू काबू कर सकते ने। नहीं तैनू किथे आदमजात दी नहीं शैतानी ताकता दा साथ चाहिदा है। तू बेफिक्र होके अपने घर तुर जा। मैं तेरे ते अपने दुश्मना नू जमीन दियां तहवां चो कढ के खत्म कर दियांगा। ते उस नाग ते नागन दे जोड़े नू बहुत ही देर खुशियां दा मुंह नहीं देखन दियांगा। हबलबू बबलबू। कौन हो तुसी? असी परदेसी हां। साडे दुश्मन जोगियां दा पेस वड़ा के साडा पीछा कर रहे ने। असी पनाह लैण लई इत्थे आए हैं। सुनिया है इंसान इंसाना की मदद करते हैं। सानू तेरी मदद की लोड़ है। ठीक है तुसी अंदर लुक जाओ। मैं तुहाडे दुश्मन तुहाडे तक नहीं पहुंचन देंगा। मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। हबलबू बबलबू। हबलबू बबलबू। असी अपने दो दुश्मना का पीछा कर दे ऐसे तक आया जमाना। तेरे इस मालखाने सानू उन्हां दी खुशबू आ रही है। छेती दस ओ कितने ऐसे तेरा कोई दुश्मन नहीं आया जोगिया। जा जाके किस और पासे लब। झूठ बिल्कुल झूठ बोलना है तू। शायद तेनू उन्हां दी असलियत दा नहीं पता। तेनू उन्हां कोलो नुकसान पहुंचेगा। वो इसलिए वो इंसान नहीं। इच्छादारी नाग ते नागने इच्छिया तारी नागते नागन। हाँ वो इंसानी रूप विच दसदे होए इधरी आए ने। जाके अपने दिमाग का इलाज करा। सब इंसान बन जाए ये सब किताबी गल्लां ने। मैं इन्हां नूं नहीं मानदा। बबलबू बबलबू सारी गल मन जा मूर्खा। नहीं ते बहुत पछताएगा। फिर तेरी समझ कुछ नहीं आएगा। पर तू ये समझ के जिन्नी छेती हो सके मालखाने तो बाहर चला जा। नहीं ते मैं तेरे नाल बहुत बुरा पेश आवांगा। ठीक है तेरे बुरे दिन आ गए बच्चा। और मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। हबलबू बबलबू मार मारू चल चलो। कितना चलाक दुश्मन सी। मैनू सप्पां दा डरावा दे के इन्हां विचारियां परदेसियां नू फड़ना चाहता सी। बाहर आ जाओ भाई खतरा टल गया है। और मैं क्या बाहर आ जाओ परदेसियों। मैं थोड़े दुश्मन को टाल देता है। मतलब है वो जोगी थी कहना सी वो दोवीं इच्छिया तारी नाग ते नागन सन। अंबरीन असी उस आदमजात दा एहसान कदी नहीं भुलावांगे। मुसीबत इच कम आने वाला साडा वो दोस्त सानू सारी उम्र याद रहेगा। उस इंसान ने इंसान ते नहीं साडे ते एहसान किया। शाहरुख इंसान ते एहसान फरामोश हो सकता है पर असी ते एहसान दा बदला एक दिन जरूर लावांगे। अंबरीन उधर वे अज चौदवी की रात है। चांदी चांदनी ने रात को हनेरा खो के जमीन ते चांदनी खिला देती है। तू ठीक आख्या शाहरुख। चांद ते चौपन आवे ते प्यार करन वाले मस्ती ते समुंदर च होते खाते ने। अब चंद ने खुमार वंडे है ऐसी चोलियां पार पार के लुटांगे। गोलियां खाओ तो खा गई ने इन्हें तो कोई ज्यादारी नाग से नागन मौजूद नहीं, पर जमीन के कीड़े आज जिंदा नहीं रहेंगे। मैं इन्हें दे जहर का जूस पी के अपनी जिंदगी के दिन और मदा देगा। इन्हें ना बोल कहा से चील खाएंगे हम लबू बब लबू। इच्छादारी नाग से नागर मैं जिनानू लबदा था ओ मेरे सामने लगता है बहुत देहात तुहानू धक्के मार मार के इत्थे तक ले आए ने। हुण मैं तुहाडे खून नाल गुसल करके हमेशा ही अमर हो जावांगा। अपनी जान दी खैर मना ना सपा नू छड्डे। जे तू साडी कौम ते जुल्म करेगा ते याद रख साडा जहर तेनू पानी पानी कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ताकत दा पहाड़ा, मेरी दहशत तू हर मखलूक कर दिए। शमरान हक दी ताकत शैतानी ताकत फना कर देती है। तू साड़े ना टकराने की कोशिश ना कर, नहीं तो तेरी हस्ती मिट्टी बन के मिट्टी विच रुल जाएगी। शाहरुख तेरी अमरीन ने अपनी औकात नालों बहुत बढ़िया गल्लां कीतियां ने। और वे शमरान तुहाडे लई मौत दा पैगाम किस तरह बढ़दा है। तू गोरा किसी का देता हो गोराई हो क्यों बोल रहे हैं? हरी बाबा उसकी चियादारी ना नागन ने मेरे दिले दी इतना लिट वजा दी है। सिमरन तेरे नाल न्याय करने वाले नू सजा जरूर मिलेगी। तू सामरी दा पैरोकार है, आज तू सामरी दी दूजी ताकत का नजारा करेगा। तेरी मदद नहीं मैं अपने जोर आवर गुलाम नू फरियाबाद बाल लिया मांगा बाल लिया मांगा। लाओ नजीबूनी कुमार रमरा चंबक्सू जीबूनी वमाओ रमड़ा कोलू इब्लीसिया चंबक्चू 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 Jambakju हुक्म करो सामरी बाबा, इन्हें मुद्दत बाद शीशनाग नू किवें याद कीता है? शीशनाग तू सप्पां दा बादशाह है। तेरी रियाय दे दो नटखट इच्छाधारी नागा ने मेरे नाल नाफरमानी कीती है। इस वेले ओ जोड़ा काले जंगल आई छोवेगा। शीशनाग दा कहर ते जहर पहाड़ा पानी कर देंदा सामरी बाबा। मैं थोड़े नाफरमान नागा दी उस जोड़ी नू जिंदा या मुर्दा इत्थे तक जरूर लियावांगा। उन शीशनाग दी तूफानी अक उस नाग ते नागन दे जोड़े नू पाताल चो भी कट लियावेगी। शाहरुख एक बहुत बड़ा खतरा साढ़े वाल वध रहा है। खतरा की मतलब? उस खतरे का ना शीशनाग है ते मैनू मेरे इलम की ताकत ने दस्या है कि शीशनाग साड़ी तलाश धरती की रग रग तलाश कर रहा है। मैं चाहनी हाँ मेरा जादू और सामने बेअसर है, इसलिए कि बड़ी बड़ी ताकत का मालिक है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। अंबरी फिर सानू की करना चाहिए? इसलिए कि शीशनाग की ताकत का जादू साढ़े सिर ते चढ़ा है, सानू इत्थों किधरे होर चले जाना चाहिए। शीशनाग अमरीन तू ते शाहरुख सामरी बाबा ते गुस्ताख ते ना फरमान। मैं तुहानू सामरे बाबा को वापस ले जाने का वादा करके आया मां। नहीं शीशनाग नहीं, असी रोज जालिम दरिंदे शैतान सिर्फ इंसान को नहीं जावांगे। चलो तुम मेरे आका तक गुस्ताख ना फरमाने, इसलिए तेरी सजा मौत है। मौत ते तेनू मौत शीशनाग अपनी ताकत नाल देगा। ना बेटा? बिल्कुल मम्मी। आओ सजाद बेटे, ए तेरे अंकल शेर अफगन दी थी। एक मिनट, साइमा। हेलो साइमा, हाउ आर यू? हेलो। ते एनादा तारो बेटे, ए साडे वफादार शेर मोहम्मद दा पुत्तर नादर है। ओदियां वफादारियां नु मते नजर रखदियां होयां असी इनु अपने मालखाने दा इंचार्ज बना दिता है। वेरी गुड। तेरे नाल मिलके बड़ी खुशी हुई नादर। ओ जी, मैनू भी बड़ी खुशी हुई है। सजाद बेटे चलिए, हवेली दे बूहे तेरे पैर चुमन ले तरस रहे ने। व्हाई नॉट मामी? आओ। फरमान मुजरम तुम्हारे सामने हाजिर ने सामरी बाबा। अब लगू सामरी बाबा उन्हें नागर किनार मेरे हवाले करते नहीं। शिमरान नहीं, हाली अमरीन तेरे लिए बेकार है। जन गिरन लगनिच काफी समय बाकी है। जदों काली रात आवेगी उस रात तू शाहरुख नाग दी लाश दे कलो के अमरीन नागन दे खून नाल स्नान करेगा। स्नान हुन तू जा सकना है। जा जा ठीक है सामरी बाबा, मैं चंद ग्रहण दी रात का इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। अब लबू, अब लबू, छप छप मार मारू, अब लबू, छप छप मार मारू। सामरी बाबा, तुसी तो मैं क्या सी कि अमरीन ते शाहरुख थोड़े नाफरमान ने, पर इमरान कहता है कि अमरीन दे लहू नाल गुसल करेगा, ऐ सब की है? सवाल करन वाले गुलाम सानू चंगे नहीं लगते। तेरे नाल प्यार करने इसलिए तेरे पहले ते आखिरी सवाल का जवाब अवश्य देंगे। इस इच्छाधारी नागन के खून नाल शिमरान नहीं असी आप पछान करांगे। ते फिर साडी जवानी ते हयाती और हो जाएगी। जादू नगरी दे बेताज बादशाह बन जावांगे, बेताज बादशाह बन जावांगे। मान ताकतवर इंसान अवश्य बन जावांगा, अवश्य बन जावांगा। शेषनाग सामरी बाबा दा गुलाम बन के मेरे शाहरुख नू मौत के हवाले कर दिता ही। 10 साल मां मैंने भी छोड़ा दे के तेनू की मिले? शायद तू नहीं जानता तू की दिल दी हां कायनात दा सीना जी देंदी है। जा तेनू मेरी बद्दुआ शीशनाक, तू भी सारी जिंदगी तरसदा रवे, तेनू भी कदी सुकून ना मिले, कदी सुकून ना मिले। अपनी असली हालत विच आ जा, बीन बजा बजा के मेरी तो अपनी बीन बज गई जा। की बकवास है भाई फिरंगियो, आप टुर गए हो, छप्पा नू भी अपनी जबान सिखा गए। ओए चंदड़ू बेटा, ए ओ नहीं की बकवास करना है? इच्छाधारी नाग है, मैं अपनी अखां दे नाल एक बाग दे अंदर एक नागन दे नाल इनू हुण तेनू गल भी खोल के समझावा। इहदी गल तो तू किधरे झूठ ते नहीं बकन दिया? ओ नहीं बेटा, मैं इनू अपनी तजर्बे दी अख नाल वेख लिया। इहदी शकल ओदे नाल जरूर मिलदी है, पर ए ओ नहीं। तुसी की कह रहे हो? मैं समझा नहीं। पर मैं समझ गया। दरअसल मैं ते ए दोवें तेनू इच्छिया तारी नाक समझ रहे सन, जेड़ा इंसानी शक्ल अपनी जून बदल चुकी है ते उदी सूरत बिल्कुल तेरे नाल मिलती है। आजकल दे तरक्की याफ्ता दौर विच कई लोग 100 साल पीछे ने। तुसी भी नागां दा पीछा छट के अपने अंदर दा जहर खत्म करो। शायद तुसी नहीं जानते आजकल दे इंसान सप्पां तो वध जहरीले ने। इस नागन दा सिर कट दो, दे दे खून दी तार मेरे सिर च पा दो। अच्छे दी मौत सामरी लई अबदी हयात बन जाएगी, अबदी हयात। मकर ने आज मैनू तेरे सामने आते मजबूर कर दिता। सामरी तो अशिया तारी नागानू ना फरमानते बागी आके मेरे को मदद मंगी सी। शाहरुख ते मर गया, लेकिन मैं अमरीन मरन देंगा। चुप हो जा शीशना, चुप हो जा। जमीन दिया तैवाई ते आजा। अमरीन दा पीछा छाड़ते सामरी, नहीं ते तेरे पलीत वजूद नू एक डंग नाल पानी पानी कर देगा। शीशनाग जे मैं जीवन वरदान रही, कल सुबह तक अपने आप तू न किलिया होंदा ते तेनू एक मंत्र नाल सुआ कर देंदा। शीशनाग मेरी मजबूरी तो फायदा ना उठाओ, नहीं ते कल सुबह सामरी तेरे ते कयामत बन के टूटेगा। सामरी समझ ले के शीशनाग भी आज तो तेरा बागी है, और आने वाली कल अमरीन तेरे जुल्म दे शिकंजे च नहीं खुलिया फजामा च वेखेगी। आमरीन शीशनाग साडा इस पिंड च इस रूप च आना ठीक नहीं का। सन अपना रूप बदलना पवेगा। तो साबित हो गया है कि सारी जागीर दे रहने वाली नहीं। दस कौन है तू? एडी सोहनी कुड़ी कितों नसा के लिया है? नहीं शीशनाथ, ए अपनी आदत तो मजबूर ने। सानू भी इन्हां दी गल एक आम इंसान वांगू सुननी चाहिदी है। ए अपना ता पता इस तरह नहीं दसेगा। इस मुटियाल नू चुक लाए। मेरे सबर नू नाज़माओ ए जगीर तारो। जे मेरे हथों तुहाडी कज़ा आ गई ते तुहाडियां लाशां दी शनाख्त भी नहीं होनी। ओए मूंह तोर नू इन्ना को मारो कि दी गुस्ताख ज़ुबान नू चुप दा ताला लग जाए। इन दोनों हवेली ले चलो। इन दी तकदीर से फैसला उत्थे ही होएगा। इन्ना दा जुर्म आज दे जमाने च इंसान होना सब तो बड़ा जुर्म है चौधरानी जी। पर इंसान दा इंसान होना ते कोई जुर्म नहीं। पर ताड़े सामने तानू गिरफ्तार करके लियान वाले ए मेरे मुजरिम ने इसलिए कि इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ पान दी जुरत की। ए झूठ बोल दी है। ए दोवें सानू मशकूक लगे असी इन्हां नू गिरफ्तार कर लिया। एदा मतलब है वे इस इलाके चो लंघण वाले मुसाफरां नाल तुसी ए हसलूक करते हो। तू गलत समझे परदेसिया। मेहमान नवाजी ते मुसाफरा नाल अच्छा सलूक करना साड़ी खानदानी रीत है। इन्हां नू आजाद कर दियो। आए नहीं बख्तावर ए आदमी शक्लो सानू खतरनाक लगता है। एदी पूरी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं एक सीधा साधा जहा इंसान हाँ पर इन्हें जरूर जानना वा कि जो इंसान अपनी सोच की जमीन से साजिशता बीज खिलाता है तो फिर वहम शक ते खतरे की फसल जरूर उगती है। चुप कर जा जनाबे। असी उच्चा बोलन वाले की जबान वड़ देने आ। अंकल दी आवाज दा कतल बगावत नू जन्म देंदा है। इन्हां परदेसियां दी गुफ्तगू तो मैनू यकीन हो गया है के सच्चे ते तेरे पुत्र झूठे ने ते हुन तुहाडे वल्लों इन्हां नू कोई नुकसान पहुंचा ते फिर जागीर दे कानून दी सजा तो तुसीं भी नहीं बच सकोगे। लीव देम छड्ड दे उन्हां नू। परदेसियो हुन तुसीं दोवें आजाद हो। जे साडी जागीर विच बहैसियत मेहमान रहना चाहो ते तानू इजाजत है। तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी छोटे मालिक। साडा सफर बड़ा लंबा है। सानू इजाजत दियो। मंजर सामने आ जाए ते सफर बुक जाता है। मैं फिर रहने का फैसला कर लेता है। मैं शाहरुख से दूर नहीं जा सकती। उनकी सोच रही हैं परदेसिया। चौधरानी जी छोटे मालिक के खलूस ने सारा इरादा बदल दिता है। हम असी इत्थे रवांगे। मुंशी इन्हां दे रहने का बंदोबस्त करो। तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी चौधरानी जी। आओ भी परदेसियो तुहानू तुहाडा घर बुआ वहावा। साडे नाल अविच विश्वासघात किया है। उस बदजात ने साडा तिलिस्म तोड़ के साडे इंतकाम दी ज्वाला नू पांबड़ बना दिता है। अब लबू शंपाक्षू साबरी बाबा शीश नाग ने तेरी शक्ति दा तोड़ करके तेरी ताकत नू जंजीरा पाके जगह दिता। जादू फराव करके ओनू अपने तिलस्म दी आगे भस्म कर देंगे। ठीक है सामरी बाबा, पर हुण सानू की करना पवेगा? तक तक कंबरी नागन ते चीज नाव मेरे कब्जे नहीं आ जाते, मैनू चैन नहीं आएगा शिमराल, चैन नहीं आएगा। उन्होंने लपन रही असी आप जावांगे, भावे वो जमीन की किसी दहश भी क्यों न लुके होना दी शारा तक पहुंच जावांगे। चौधराणी के पुत्र की शक्ल शाहरुख नाल मिलती जरूर है, पर उसकी सूरत पीछे तेरा प्यार नहीं, एक गैर वास्ता है। मैं चाहनी हूं शीशनाग कच्चा की शक्ल मेरे शाहरुख नाल मिलती है, पर इंज लगता है जिवें रब ने सच्चा की सूरत च मैनू जिंदा रहने का बहाना ता कीता है। गैर नूं अपना समझण वाले ठोकर खा जांदे ने अमरीन। प्यास सिंधी कोलों ठोकर खा के जीना बेहतर है शीशनाग। जिद ना कर, नहीं तो तेरी वफा दा मान टूट जाएगा। दिल टूट जाए ते ख्वाब ही सहारे बन जांदे ने शीशनाग। मैं हूं सच्चा तो दूर नहीं जा सकती, मैं अपने प्यार की एक नवी दुनिया बसावांगी, ते दुनिया की कोई भी ताकत मैनू शाहरुख के नवे रूप तो जुदा नहीं कर सकती। काश तू मेरे अंदर की आवाज सुन सकती है ब्रेन, शायद तू नहीं जानती मैं तेनू शाहरुख तो बहुत प्यार करना वा। अखा जावा मिट रहे कसीद पहन तेरे नैन मेरे नैन गले खुल के न कहन तेरे नैन मेरे नैन गले खुल के न कहन। मम्मी वालेकुम अस्सलाम। असी बड़ी देर तो दरवाजा खड़खड़ा रहे सा, लगता है साडा बेटा बड़ी गूढ़ी नींदरे डूब के कोई बड़ा ही सोना जिहा ख्वाब देख रहा सी। तुसी ठीक कह रहे हो मम्मी, मैं नी गूढ़ी नींद कदी नहीं सा सोता। मैनू तो इंज लग्या जिवें आसमान तो नींद दीयां परियां उतर के मेरी आंखें समा गईयां ने। बेटा जी दिन काफी निकला है, इन्हां परियां नूं छुट्टी दियो ते आके नाश्ता करो। तुसी चलो मम्मी, मैं हुणे आया। ताकतवर शमरान नू ओदे दोस्त दा सलाम कबूल होवे। आज साड़ी जागीर किस तरह रास्ता पुल के आ गए हो। असी किसे दी तलाश कर रहे था, रस्ते तेरी जागीर आ गई है, सोचा तेनू मिलदे चलिए। तेरा आना साड़ी खुश नसीबी है शमरान, पर इन्हां नू असी पहली बार देखिया। कौन ने? बबलू साबरी बाबा जादूगरा दा शहनशाह ते तेरे यार शमरान दा मुर्शद। जीवन जिदी सानू तलाश है ओदी पास आ रही है। वो इत्थे ही किसे लुकिया है, चलो चल के उन्हू लभिए। साडी मंजिल साडे कोल आ गई है। बबलू साबरी बाबा तुहानू धोखा लगा है। लगता है किसी पास आने वाली हवावां उन्होंने शरीर नू छू के आईया ने, वो मैनू धोखा दे गई ने। पर कोई गल नहीं, मैं जमीन उन्होंने इन्नी को तंग कर देंगा कि उन्होंने किसी पासे भी पनाह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अमरीन अमरीन की गल है शीशनाथ, खैर है? सामरी ते शमरान हवामा कोलो पता पुछते पुछते इत्थे तक पहुंच गए ने। इस तो पहले कि सानू पछाण लैण असीं इलाका छड़ के किधरे होर टुर चलीए। नाका दे बादशाह शीशनाथ नूं सामरी ते शमरान कोलो खौफ नहीं खाना चाहिदा। मैं ते तेरी ताकत दी छां थले दुनिया दे हर खतरे नाल टकराण दा फैसला कर लिता है। उन्हां तो जादूगरां दा जादू मेरे ते नहीं चल सकदा। मैनू तो सिर्फ तेरा फिक्र है, इसलिए कि दोवें तेरी जान दे दुश्मन ने। मैनू यकीन है तेरे हुंदिया दुनिया की कोई भी मुसीबत मेरे तक नहीं पहुंच सकती शीशनाथ। पर असीं जिथे भी जावांगे उत्थे मौत नहीं आएगी। अमरीन जो तू मेरे एतबार का हाथ फड़ के अगदा दरिया टप्पण का फैसला कर ही लिया तो फिर मैं तेरे वल वधण वाली हर आफत अगे टल बन जावांगा। गुस्से नाल वेखिए ते साडे खौफ नाल उत्ते सीने विच तेल आ जाए तो इन्ना न डरे कि साडे सिर दी पग नूं हथ पा ले। ओए साडी आन दे दुश्मना, अज असीं तैनूं तेरे जुर्मां दी इहो जेही सज़ा देंगे जिन्नूं वेख के कोई भी तेरे वर्गा नमक हराम मौत दीआं अखां च अखां पा के मालकां दी इज्जत नूं वेखण दी जुरत नहीं करेगा। छोटी जात के बंदे नूं मुंह लाण दा नतीजा अपनी अखां नाल वेख लै बख्तावर। साडे टुकड़ियां ते पलण वाला साडे दस्तरखान ते साडे बराबर बैठण दा आप पिया वेखदा। नादर ने साडे पैण दे डोली पिछे लखन दी जायदाद वेख के इन्हू अगलाण दी कोशिश कीती है। असीं इन्हू दुश्मनी दा सिरा बन के इन्हू मौत दी कोड़ी चाढ़ देणी। सानू दस नादर, तू साडे एतबार दे किले इच कच्ची कंध वेख के ओथे अपने धोखे दी सन क्यों लाईए? मोहब्बत धोखा नहीं, सच है। मैं ते सायमा एक दूजे नाल प्यार करने। बकवास ना करो, तू एहसान फरामोश है। चौधरानी मां दे एतबार दा कातिल है, तू गुनाहगार है। नहीं छोटे मालिक, मोहब्बत नु गुनाह कह के गुनाहगार होने की कोशिश ना करो। अपनी जबान नु लगाम दे नादर, तू छोड़ दरवाजा लंघ के साडे खानदान दी इज्जत नाल खेडन दी कोशिश कीती है। तैनू एदी सजा जरूर मिलेगी। इन्हू कैद खाने दे हनेरियां विच सुट दियो ते जिस दिन एदे सिर तो इश्क दा भूत लै जाए उस दिन इन्हू तेरी मां नू धक्के मार के जागीरी चो बाहर कर देना। रहम करो चित्रानी मां, जे तुसी नादर नू धर्म समझ के फैसला किया ते फिर सुन लवो, एहदे नाल सजा मैनू भी दो। मैं नादर दी जुर्म विच बराबर दी शरीका। कमबख्ते, अपनी जबान बंद कर। मरने लाओ जी जगीरदार जी, ए शप दा बच्चा जिस किसी नू लड़ जाए वो सारी जिंदगी पानी नहीं जे मंगता, दुध छोटा मंग मंग के गुजारा करता। जे थानू मेरी गल दा यकीन ना होवे ते बिना शक इन्हां चौ मुंडियां जो किसी एक मुंडे नू लड़ा के ते चेक कर लगो। बकवास ना कर। मेरे कहने का मतलब ये मोतिया वालिया, जे शप दा बच्चा किसी नू लड़ जावे तां ओ बच जावे ते फिर ओदी 7वीं नस्ल दा आखिरी बच्चा भी नीला पीला होके जमदा है। ए काला लाख एक बारी किसी को लड़ जाए ते फिर वो बंदा अद्धी वारी भी नहीं तड़पता, चुप करके सीधा उत्ते टुर जाता है। हां पहावन, आज रात इस नाग नू सज्जाद दे कमरे दा मुंह वहा दे। रानी जी, वालेकुम अस्सलाम। आप परदेस ने किवें आई हैं? तुसी अपनी जगीर च साडे जे परदेसियां नू पनाह देके साडे उत्ते बड़ा वड्डा एहसान कीता चुदरानी जी, पर मैं तुहाडे एहसान दी छां थले कुछ दिन होर गुजारना चाहनी हां। ठीक है, तू सारी जिंदगी साडी जागीर च गुजार सकनी है। तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी चुदरानी जी। हां सच एक गल होर है, जे तुसी मैनूं अपनी खादमा समझ के इस हवेली च रहन दा एक बारी मौका दियो ते मैं अपने आप नू बड़ी खुशकिस्मत समझांगी। अज तो बाद तू इस हवेली विच साडी जाती खादमा बन के रहेगी। हुण ते खुश है ना? जी हाँ, खुश किवें ना होवां। तुसी मैनूं अपनी खादमा बना के सारे जहान दी खुशियां मेरी झोली च पातियां ने। परदेश ने की सोच रही है? परदेश ने की सोच रही है? कुछ नहीं छोटे मालिक, ए दूध पिया सौन तो पहले याद नाल पी लेना, ए चुदरानी जी दा हुक्म है। परदेश ने जी, चुदरानी मां ने तेनू मेरी दूसरी आदत दा नहीं दस्या? दूसरी आदत ओ की है? मेरे कमरे च दूध लेके आने वाला जद तक अपने हाथी मैनू दूध ना पियाए ते मैं कम से कम 4 दिन दी भुख हड़ताल जरूर करना। कमाल है, ए की बुरी आदत है तुहानू? मजबूरी है मेरी जान, दूध ते हुण तुहानू खुद ही पियाना पएगा। पियो छोटे मालिक, दूध पियो। मैनू की बिटर बिटर तकन डायो? वेख रहा मां कि कदी कदी कुदरत दे तखलीक किते हुए इंसान शाहकार बन जाते हैं ते उन्हां शाहकारां विचों एक ना परदेसन दा भी आंदा है। छोटे मालिक, तुसी ये पढ़िया लिखिया गल्ला करके मैनू नहीं फसा सकते। तुसी आराम करो, रब रखा। जो बरामद होने वाला है मुर्दा सब इस गल का सबूत है कि कोई अनदेखा दुश्मन मेरे सज्जाद की जिंदगी खत्म करना चाहता है। दसो कौन है वो जरा साडे खानदान का आखिरी निशान मिटाना चाहता है? चुदरानी जी काटी गल का जवाब मैं देनी है। इस नाप नू मैं मारे जे मैं इस नाप नू ना मारती तो उन्हें छोटे मालिक नू दस के उन्होंने मौत के हवाले कर देना सी। मैं अपनी अखा नाल छोटे मालिक के कमरे च एक आदमी नू नाप छड़दिया देखिया सी। ते फिर छेती नाल दस परदेस ने सब छड़न वाला कौन सी? ओ कोई खैर नहीं चुदरानी जी, शेर अफगन दा पुत्तर बहावल शेर है। नहीं, बड़ा पुत्तर है, हरकत नहीं कर सकता। तू एदे ते झूठा इल्जाम ला के साडे खानदानी कट नू अपनी साजिश के खंजर नाल दो टोटे करना चाहनी है। जगीरदार जी अपने किरदार के शीशे च मेरा चेहरा ना वेखो। जे मैं झूठ बोल रही हूं ते फिर अपने पुत्र तो पूछो। मैनू यकीन है एनू झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा। दस बावल बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों है? तेरी ये चुप तेरे जुर्म की गवाही दे रही है। असी तेरी कल ला देंगे। बोल। मैं झूठ नहीं बोलांगा। सज्जाद दे कमरे सब मैं ही छड़िया सी। अपना हाथ रोक लवो अंकल। इंसान खता दा पुतला है। बहावल शेर की सोच को राय पै गई सी। एदा नहीं एदे लालच का कसूर। ते अपने कातल नू माफ कर देना हर मुसलमान की शान है। बख्तावर असी तेरे कोलों अपने पुत्र के जुर्म की माफी मंगने आ। ते अज तो बाद सज्जाद की जिंदगी अगे ताल बन के असी खलोवांगे। असी खलोवांगे। तू साडे पुत्र की जान बचा के साडे मोढियां ते एहसान की पंड रख दी। असी तेरा एहसान 100 गुना करके तेन वापस करांगे। सानू यकीन है सजाद नू तेरे वर्गी वफादार लड़की की लोड़ जिंदगी दे हर मोड़ ते पवेगी। इसलिए असी तेनू इनाम इच दौलत नहीं अपनी जिंदगी की सारी पूंजी तेरे हवाले करनी। असी तेरी ते सज्जाद की शादी का ऐलान करने। करांगी, मैं शादी नहीं करांगी, मैं शादी नहीं करांगी, मैं शादी नहीं करांगी, मैं शादी नहीं करांगी। अज जाग दिया अखा लाने ले वक्त का चेहरा वेख के डर गई है। अपने दिल तो सच्चा ता नाम मिटा दे, इसलिए ये इंसान ते सब दा मिलाप मौत है। ऐ नाक शीशनाक, सज्जाद दी जुदाई भी ते मेरी मौत है। मैं अपने प्यार तो बिना जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। रो ना अमरीन, तेरे अथरू मेरे दिल दी जमीन ते छाले पांदे ने। तू फिकर ना कर, तेरे औरत के स्वरूप को कायम रखने लई शीशनाक अपनी जान की बाजी ला देगा। जमीन ते अपने प्यार दिया कंधा उछारिया ने, पर शायद तू ऐ नहीं चाहती। जे साड़ी जलालत नू जलाल आ गया ते फिर तेरे सिर ते तेरे झूठे इश्क दा महल मलबा बन के डिग पवेगा। इश्क दी बुनियाद जमीन दी सतवी तय च रखी जाती है। चुदरानी जी याद रखो, कोई तूफान, कोई हनेरी, कोई जलजला इश्क दी कुली नूं नहीं जा सकता। तेरे मुंह जो है कमी कमीन दी जबान बोल रही है बदबख्ते। उच्चे महलों च पैदा होने वाले कखा दी चुगी वसन दा खाब नहीं बेचते। तेरी जवानी नादानी दी राह ते टुर के साडे वड वडेरियां दी रीत नहीं बदल सकती। असी तेरी जवान लाश नूं ते वेख सकने आ, पर इस कमी कमीन नूं असी अपना ज्वाई नहीं बना सकते। साढ़े मिलाप दिया वैरिया इश्क कलबूता दा मिलन नहीं तो रूहां दे खो जाण दा ना है। ये जमाना हर दौर आशिकां दा इम्तिहान लैंदा रहा है। आशिक मर के भी हर इम्तिहान च पूरा उतरते रहे। नादार इन्हां दोहां नूं गोली मार दियो। नहीं शेर अफगान, जागीर दे कानून दे मुताबिक मरण वालियां नूं अपनी सफाई का मौका जरूर देना चाहिए। इश्क चली होने वाली तेरी इस बागी धी दे दिल का फैसला सुन के असी एदी तकदीर का आखिरी फैसला जरूर करांगे। बोल कुड़िए, तू इस एहसान फरामोश नूं भूल के अपने खानदान का वकार जिंदा रखना चाहनी है कि नहीं? दस हुसैन नू ऐस जागीर दी शान और शौकत कबूल है या ऐस मुफलिस दा प्यार? जवाब दे कुड़िए, असी तेरा आखिरी फैसला सुनना चाहने आ। मिट जाना इस इश्क दी खातिर बादे नहीं थर थंडी, मिट जाना इस इश्क दी खातिर बादे नहीं थर थंडी, दस्तारों के लख जमाना हुन नहीं रहना कल्ली, इश्क दी पौनी ऐसा जल्दी जल्दी, ओ इश्क दी पौनी ऐसा जल्दी जल्दी। अपने दिल की आवाज में बगावत की सन ला के साढ़े कन्ना तक पहुंचा दिता है। जागीर की रवायत को जिंदा रखने लई असी तेरी जबान चो निकले हुए हर गुस्ताख लफ्ज को बर्दाश्त किया है। तेरा फैसला असी सुन लिया है, हुण साडा फैसला तू सुन ले। दस्तूर के मुताबिक असी तानू दोवां नू जिंदा संसार करन दा हुक्म देने आ। मेरी फरियाद चौधरानी का फैसला नहीं बदल सकते। नहीं, चौधरानी भी पुत्र की मां है। कोई मां एक मां को पुत्र नहीं खो सकती। तुहानू तुहाडी ममता दा वास्ता जे चौधरानी जी, अपना फैसला बदल दियो, बदल दियो, अपना फैसला बदल दियो। नहीं, मेरा पुत्र साडी इज्जत दा कातल है। ऐदी मौत ऐस जागीर दे हर कामे लई इबरत दा निशान बन जाएगी। फतेह शेर एना आसान फरामोशा नू मौत दे तख्त ते चढ़ा दियो। नहीं हो सकती चौधरानी जी। तुसी दुश्मनों नू सज्जन ते सज्जनां नू दुश्मन समझ के बड़ी पट्टी पुल कर रहे हो। परदेस ने जो कुछ भी कहना है हकीकत बयान कर। बुझारता सानू चंगियां नहीं लगदियां। झूठ सच दा नतारा एक दफा पहले भी इस जगह ते हो चुकी है। उदों भी साबित हो गया सी कि शेर अफगन दा पुत्र ताडे पुत्र नू मारना चाहता है। उन्हें शेर अफगन खुद दसेगा ते पुत्तर दा किन्ना को हमदर्द है। शेर अफगन तेरे अंदर दा शैतान की कहंदा है। मैं इस जागीर का मालिक बनना चाहना। सजाद अली ते बख्तावर नू जिन्नी भी छेती हो सकिया मार देंगा। इन्हां दोनों इस जागीर च कब्र की थां नहीं मिलेगी, मार देंगा। अब्बा साईं, अब्बा साईं की हो गया तानू? ये की हो गया अब्बा साईं जी? उठो अब्बा साईं, उठो। अब्बा साईं, शेर अफगान परदेसन ने साड़ियां अखां ते बजी हुई तेरे एतबार दी पट्टी खोल दी है। इस तो पहला कि असीं तैनूं कोई सजा देण ते मजबूर हो जाइए, अपने पुत्रा समेत इस जागीर तो किते दूर चला जा। इन्नी दूर जिथे इस जागीरी चैकन वाले अमन दे पंछियां दी आवाज भी तेरे कन्ना तक ना पहुंच सके। चला जाए तो दफा हो जा। चौधरानी मां दी दिती हुई सजा तो तुसी बच गए हो, पर तुहानू दोवां एक सजा हुण मैं देंगा। सजा ए वे के ताड़े दोवां दी इस हवेली के अंदर फौरन शादी होगी। छोटे मालिक, उस परदेसन दी अखां दे जादू ने साडे अंदर दे सच नू बाहर कढ़ा के सानू बड़ा जलील करवाया। सजावल की सोचिया सी ते की हो गया है। तुसी फिक्र ना करो अब्बा साईं, उस जादूगरनी नू सजा देण लई शेर जंग ते बहावल शेर गए हुए ने अब्बा साईं उस प्रदेशन की लुट्टी पुट्टी इज्जत वेख के कोई साडे नाल गल करन दी जुरत नहीं करेगा। हाली भी वेला बदबख्तो मेरा राज छड़ दियो, मैं नहीं चाहती कि मेरे सीने दो इंसानों का खून लगे। सानू मौत से डरावे ना ते परदेस ने, हवेली छोड़न वाली बेइज्जती दा बदला असी तेरे कोलों जरूर लेना है। साडे इंतकाम दी हर ने तेरे खून तो बाद हवेली दे उन वारसां नूं भी रोड़ के ले जाना है जिन्हां ने सानू आसमान तो जमीन ते सुट्टिया है। कोई भी मनुष्य साया उस हवेली दी खुशियां ते नहीं पै सकता। दावर तो शेर अफकंदी जिद दी हिक ते दो फट लाए ने, एक सानू जागीर तो बेदखल करके ते दूजा ऐस कमी नू साडा ज्वाई मन के। अज असी अपने फटा नू तेरे पुत्तर ते ऐस कमी दे लोह नाल फरांगे। शेर अफगन ये पुत्रा नाल रल के तीनों अपने हाथी डोली पाना है। मैं तेनों अपना सौरा मन के खुशामदीद कहना, जेती दे सुहाग से खुशियां का दुश्मन बन गया है ते फिर तेरा इतो जिंदा वापस जाना मुश्किल है। बकवास का कारो कमिया असी धी की डोली दे कहा नहीं, तेरे जनाजे नू मोटा देना आया। खुशी दे मौके ते मनहूस गल्लां नहीं करी दियां। असी धी दे के नादर नू अपना पुत्र बनाया ते पुत्र दे खिलाफ बोलन वाली जबान असी वट देंगे। बख्तावर फिर तू आखिरी बार अपने पुत्रा नू रज के वेख ले। कुछ देर बाद इन्हां दियां तड़फदियां लाशां ते तू वैण पाने ने। जे तू चाचे तो दुश्मन बन गया है ते फिर मैं भी रिश्तियां दी हरकन ताके तेरी आखड़ी हुई तौन विच मौत दा तौक जरूर पावांगा। बदतमीज, जे मौत दी जंज सिर ते चढ़ आवे ते इन्ना उच्चा ना बोली दा। हुण जरा हौसला रख ते अपने घर दी बर्बादी दा तमाशा वेख। इन्ना सारे किच साडी नफरत दा बरूद पार दियो। जी बूनी मोरम राव सोचियासी कि तुसी तो में शैतान मेरे अजाब तो बच जाओगे, पर नहीं, तुहाडे पलीत वजूद तो इस ज़मीन मैनू पाक करनी पवेगी। साडा राज छड्ड दे शीश नाल, जे असीं तेरे नाल टकरा गए ना ते इंसाना दा पूरा इलाका तेरे ते साडे मुकाबले दी आगे सड़ के सुहा हो जाएगा। बाकी मर्जी तेरी। नहीं, मैं बेगुनाह इंसाना नूं ताके वर्गे पलीतां दे हत्थों मरता नहीं वेख सकता। बाबा तेरे कहने के मुताबिक आज चंद ग्रहण की रात के अमरीन मेरे हवाले कर दे ताकि मैं भी गर्दन ला के इहदे खून नाल गुसल करा ते अमर हो जावा। अब लबू बब लबू शाबाशू चिमरान अमरीन तैनू नहीं मिल सकती। आमरी बाबा अब लबू तू वादा खिलाफी कर रहे हैं। तेरी वरियां दी तपस्या दा फल है तू हासिल नहीं कर सकता। इहदे खून नाल स्नान मैं करांगा अमर हो जावांगा। चला जाए तो शिमरान चला जा। ठीक है सामरी बाबा उड़े दे खून नाल गुसल लोही करेगा जिला जिंदा बचेगा। अब लबू नाफरमान बबलबू तेरे खरूर दा सिर सामरी जादू की ताकत नाल नहीं अपने बाजुआ के जोर नाल लाएगा ताकि जादू नगरी के बासी सामरी नू बुज़दिल ना कहन। बुज़दिल Maro! कमरान शीशनाक औंधिया अमरीन नहीं मर सकती। शमरान मैं तेनों तेरे काले जादू समेत सामरी दी इस खारिज दफन कर दिया। नारी ते सदा बहार रूपता मैं तान मंगना वहां मेरा ईमान रख ले संकत्याता। मेरे हसा के बदले एनु औरत के रूप अमर कर दे संकत्याता। अमर कर दे तेरी जिद पूरी करन लई सानू 100 साल का ज्ञान लेना पड़ेगा और असी अपने भगत की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वाके मेरे ते बड़ा वड्डा एहसान किया है। हुन मेरे ते सज्जाद ते मिलाप नो कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तू शीशनाक नहीं ना देवता है। मैं तेनू प्यार किया पर अपनी जिंदगी का दाम दे के तेरे प्यार नू हमेशा लई अमर